Guys, what's up? I hope you are doing well. And friends, welcome to my channel SSC by Rahul Patidar. हमारा एवरेज का पार्ट टू कंप्लीट हो चुका है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज पार्ट थ्री. इसमें हम तीन चार कॉन्सेप्ट एवरेज में केवल बाकी है. पहले इस लेक्चर में हम एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, फिर एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें 10-15 क्वेश्चंस एवरेज पे होंगे. एवरेज बहुत छोटा सा टॉपिक है, थ्री लेक्चर्स में थ्री पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा. इसमें 8-9 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवा दिए. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिए. एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन में ये दिया है कि एवरेज टेम्परेचर मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और एवरेज टेम्परेचर ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 37.5% मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, फाइंड टेम्परेचर ऑफ मंडे. क्वेश्चन में ये दिया है कि जो एवरेज टेम्परेचर मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे एंड थर्सडे का वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 31 इंटू 4 हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन में. ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये दिया हुआ है 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 4. अब हमको एक रिलेशन दिया हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 37.5% नॉट डिग्री, 37.5% मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे. एक और रिलेशन दिया हुआ है. अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक मंडे और फ्राइडे में एक इक्वेशन मिल जाएगी. मंडे माइनस फ्राइडे विल बी 1.5 इंटू 4, 6. ये एक इक्वेशन बन गई. सेकेंड उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि द टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 37.5% मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे. अब एक्चुअली क्या है, 37.5% इसको हम लिख सकते हैं 37.5/100. एक्चुअली कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हम परसेंटेज चैप्टर में पढ़ेंगे. इसको हम 3/8 लिख सकते हैं. मतलब परसेंटेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब हुआ 37.5% का मतलब हुआ 100, 37.5 out of 100, 100 में से 37.5, या फिर हम कहें 3 out of 8, मतलब 8 में से 3, ये कहें. ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है. ये हम पढ़ेंगे परसेंटेज में, बहुत काम की चीज है. आपको अगर टाइम बचाना है तो मंडे का टेम्परेचर है, मंडे और फ्राइडे में इक्वेशन, मंडे का टेम्परेचर सपोज फ्राइडे का 8 है तो इसका 37.5% ज्यादा है, मतलब 8 से 3 ज्यादा, मतलब मंडे का 11. तो मंडे फ्राइडे 11/8 ये इक्वेशन बन गई. यहाँ से हम मंडे को लिख सकते हैं 11 के और फ्राइडे को लिख सकते हैं 8 के. मंडे को हमने लिख दिया 11 के और फ्राइडे 8 के. तो 11 के माइनस 8 के, अब इसको इस इक्वेशन में रखा, 11 के माइनस 8 के 3 के 6, तो k आया है यहाँ पे 2, तो k 2, 22 एंड 16, द मंडे 22, फ्राइडे 16, ये हमारा पहला क्वेश्चन था. अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देयर आर थ्री नेचुरल नंबर्स, इफ द एवरेज ऑफ एनी टू नंबर इज एडेड विद थर्ड नंबर 24, 20 एंड 18 विल बी ऑब्टेन्ड, फाइंड ऑल द नेचुरल नंबर्स. मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि
तीन नेचुरल नंबर है, एवरेज ऑफ टू नंबर इज एडेड विद थर्ड नंबर, देन 24 इज ऑब्टेन्ड। ये दूसरे दो नेचुरल नंबर का एवरेज तीसरे के साथ जोड़ा तो 20 ऑब्टेन्ड, और एक हटा दो, बी और सी को ले लो, एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज एडेड विद थर्ड नंबर, देन 18 विल बी ऑब्टेन्ड। सो 24, 20 एंड 18, यहाँ से तीन इक्वेशन बनेगी ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी 48, ये टू पर चले जाएगा, ए प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी 40, बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए 36। जब हम इनको एड करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ऐसे आएगा। अब यहाँ पे सब में से 4 कॉमन ले ले, कट जाएगा, तो 4 को कैंसिल आउट करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 12, 4 इंटू 10, 4 इंटू 9, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10, 22, 31, 4 इंटू 31, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया 31। हमको निकालना है फाइंड द नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन में क्या दिया था, देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ 2 इज एडेड विद थर्ड, वी ऑब्टेन 24, 20 एंड 18, फाइंड ए बी सी, फाइंड दैट नेचुरल नंबर्स, ये हमको निकालना था। तो ए प्लस बी प्लस सी 31 दिया हुआ, अब इस इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी 48 है, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से 48 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30, तो सी आएगा 48 माइनस 31 17, सेकेंड से बी आएगा 40 माइनस 31 9, और थर्ड में आएगा ए 36 माइनस 31 5, तो ए आया 5, बी आया 9, सी 17, हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 72। एक एग्जामिनेशन में 40 विद्यार्थियों का औसत 72 है। आफ्टरवर्ड्स इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ द 3 स्टूडेंट्स आर मिसरीड एज 68, 65 एंड 73 इंस्टेड ऑफ 64, 62, 3 एंड 84। 64, 62 और 84 की बजाय 68, 65 और 73 लिख दिया, मतलब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो 40 स्टूडेंट्स है उनका एवरेज औसत मार्क्स है 72, पर तीन डाटा जो गलत लिख दिए, तो हमको करेक्ट एवरेज निकालना है। हमारे पास जो 72 एवरेज आया है वो गलत है। सबसे पहले तो हम तरीका देखते हैं कि क्या करेंगे। एक्चुअली 40 स्टूडेंट्स का, ये 40 स्टूडेंट्स हैं, इनका 72 एवरेज, तो हमारे पास एक तरीका है, या तो हम करें 40 इंटू 72, सबका टोटल मार्क्स आ गया, उसमें से हम वो सब्ट्रैक्ट कर दे जो गलत है। अब गलत क्या क्या है, 60 हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 68, 65 एंड 73, यहाँ पे ये रॉन्ग है। और राइट क्या है, 64, 62 एंड 84, 64, 62 एंड 84, 210, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अब इसमें से जो सबसे पहले तो उन्होंने गलत मार्क्स लिख दिए उसको घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे जो सही है, ये डिवाइडेड बाय 40, तो यहां से करेक्ट एवरेज आ जाएगा, ठीक है। पर इस प्रोसेस को ध्यान से देखो, इस प्रोसेस में एक्चुअली हुआ क्या, इसको हम अलग करेंगे तो क्या हुआ, 40 इंटू 72 बाय 40, और यहां पर प्लस लगा के माइनस 206 प्लस 210 बाय 40, इट मीन्स हमको इतना पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। एवरेज अगर गलत आ गया, कुछ डाटा
गलत लिखने के कारण, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको जो गलत कितना है 206, सही कितना है 210, मतलब हमको प्लस 4 करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जितना हम बढ़ा रहे हैं ना उसका वो 40 स्टूडेंट पे बढ़ा रहे हैं, तो वो कर लो। मतलब यहाँ पे एक्चुअली एवरेज तो 72 ही आ रहा है, मतलब हम डायरेक्ट कर देंगे 72 प्लस 4 बाय 40। ये 4 कहां से आया, रॉन्ग और राइट, मींस 72 प्लस पॉइंट 1, ठीक है 1/10.1, 72.1 ये आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट एवरेज, करेक्ट एवरेज। अगर ये क्वेश्चन हमको दिया रहता है तो हम सीधा करेंगे रॉन्ग एवरेज कितना है, जो एवरेज दिया हुआ कितना है 72। अब जो गलत डाटा है उसका एडिशन कर लेंगे, सही डाटा है उसका एडिशन कर लेंगे, और हमको यहाँ पे देखना है प्लस 4 एड करना है तो कितने पे, 40 पे, तो प्लस 4 बाय 40 ये मेन जो गलत एवरेज है उसमें एड कर देना। सपोज यहाँ पे करेक्ट रॉन्ग एवरेज आता 210, करेक्ट एवरेज आता 206, तो हम यहाँ पे हमको करना क्या है, करेक्ट तक जाने के लिए क्या करना है, माइनस 4 करना है, तो माइनस 4 बाय 40 डायरेक्ट कर लेते, यहाँ पे माइनस 0.1 आता, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो एवरेज आता 72 माइनस 0.1 71.9, इस टाइप से करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 43 kg। कुछ अब क्वेश्चन में क्या दिया, अभी तक तो हमको दिया जाता था जैसे 40 स्टूडेंट्स का एवरेज 72, अब कितने स्टूडेंट्स है वही नहीं दिया है, स्टूडेंट्स हमको निकालना है। कुछ स्टूडेंट्स का औसत 43 है और 4 नए स्टूडेंट्स आने से, व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड द एवरेज वेट बिकम्स 42.5 kg। मींस हमारे पास ये x स्टूडेंट्स हैं, अभी एवरेज है 43 और ये 4 नए स्टूडेंट आ गए 1 2 3 4, इनके आने से जो एवरेज कंबाइंड एवरेज 42.5 हो गया। अब हमको एक इंफॉर्मेशन उसने दी है, वेट ऑफ दोस 4 स्टूडेंट्स आर 42 प्लस 36.5 39 एंड 42.5, 42 160। अब जब हम इसका ये चार स्टूडेंट्स के वेट को ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो ये आ गया 40। मतलब ये जो चार स्टूडेंट का इंडिविजुअल एवरेज है ये 40। हमको निकालना है x। इस क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है 43 कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है, 4 नए स्टूडेंट आए उनका वेट दिया हुआ है जिसका हमने एवरेज निकाल लिया 40, और इन 4 नए स्टूडेंट्स के इंक्लूड होने से टोटल एवरेज हो गया 42.5। हमको निकालना है कि पहले कितने स्टूडेंट्स थे। अब 42.5 यहाँ पे 2.5 हमारी एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, 42.5 जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, 42.5 ये प्लस 2 मेन एवरेज से ये कितना कम है, -2.5, मींस -2.5 × 4 -10, ये -10 कम है तो ये माइनस, ये प्लस 10 होगा, ये 10 ज्यादा होगा, मेन एवरेज से ये 10 ज्यादा होगा, क्यों, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, तभी तो यही आएगा, यहाँ पे इक्वेशन इक्वल होगी 42.5 ये 43 है, मतलब 0.5 इंटू एक्स, एवरेज कितना कम ज्यादा है 0.5, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, मींस
1 by 2 x equals to 10, so x आ जाएगा 20, number of students आ गए 20, एक तरीका है. So friends, next question, a batsman scores 87 runs in his 17th innings. एक बैट्समैन ने अपनी 17वीं इनिंग में 87 रन बनाए. ड्यू टू दिस हिज एवरेज इंक्रीज बाय 3 रन्स. उसने 17th इनिंग में 87 रन बनाए, जिसके कारण उसका जो एवरेज पहले जो 16 इनिंग्स में था उससे 3 रन ज्यादा हो गया. फाइंड हिज करंट एवरेज. तो मतलब वो 16 और ये 17 इनिंग तक का एवरेज क्या है, मतलब जो अभी जो इंक्रीज्ड एवरेज है वो क्या है, वो पूछा है. क्वेश्चन में ये दिया है कि इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा. फ्रेंड्स, करने के तो तीन तरीके हैं, बट जो जनरल वे है उसे हमें नहीं करना है. हमें एग्जाम नाउडेज हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल नॉलेज देन टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत नेसेसरी है, बहुत मस्त है. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स सीखना पड़ेगा. आप बार बार वीडियोस देखिए, क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रोक के नोट डाउन कर सकते हैं. अगेन क्वेश्चन में एक बार और रिपीट करूंगा, क्वेश्चन ये है कि 16th इनिंग तक का कुछ एवरेज है हमको नहीं पता है, बट 17th इनिंग में प्लेयर ने 87 रन बनाए, जिसके कारण उसका जो एवरेज जो 16th इनिंग तक था उससे 3 रन ज़्यादा हो गया. तो हमको पूछा है कि जो इंक्रीज्ड एवरेज है, जो बढ़ा हुआ एवरेज है, वो कितना है. करंट एवरेज भी बोल सकते हैं. लेट ये 1 से 16 तक का जो एवरेज है वो ए है, और 17th इनिंग में 87 रन बनाए, जिससे टोटल 17 का एवरेज हो गया ए प्लस 3. अभी तो बताया कि 16 से 3 ज्यादा हो गया. अब वही मेथड, यहाँ पे ये 3 कम है तो 16 - 3 × 16 - 48. एवरेज 3 कम है तो 16 इनिंग में -48 रन्स कम होंगे, तो 17th इनिंग में इसको 48 रन ज्यादा बनाने होंगे. किससे, एवरेज से. ठीक है, मतलब 48 यहाँ पे कम है तो यहाँ पे +48, ये एवरेज से 48 ज्यादा बनाएगा. सो दैट्स व्हाई ए प्लस 3, ये एवरेज से 48 ज्यादा है. इट मींस 87 माइनस 48. एवरेज होगा 87 माइनस 51, 36. जो 16 इनिंग तक का एवरेज है वो 36 है, और जो इंक्रीज एवरेज है वो ए प्लस 3 मींस 36 प्लस 3 39. ये एक तरीका है. इसके बाद हम सेकंड तरीका भी यूज कर सकते हैं, सेकंड मेथड. वो ये है कि फ्रेंड्स, जो 16 इनिंग तक का एवरेज कुछ भी है, 17th इनिंग में इसने 87 रन बनाए प्लेयर ने, जिससे एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया. मींस 3 रन इंक्रीज हो गया मींस 3 × 17 = 51. इसने जो एवरेज है उससे 51 रन ज्यादा बनाए होंगे. मींस 87 माइनस 51, एवरेज पहले था वो 36 था, ये पहले का एवरेज आ गया. करंट एवरेज की बात करें तो इसमें 3 ऐड कर दो, 36 प्लस 3 39. एग्जाम में आपको ये करना है, 16 इनिंग तक का एवरेज क्या था वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 17 में 87 रन बनाए जिससे एवरेज इंक्रीज हो गया 3 रन. मींस 17 में उसने 17 × 3 51 रन एवरेज से ज्यादा बनाए, तो 87 माइनस 51 तो एवरेज कितना होगा, 36. दैट्स इट. एक क्वेश्चन और है इसी थीम पर. अ बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज इन हिज 11 इनिंग्स, ही स्कोर्स 90 रन इन 12th इनिंग्स.
ड्यू टू दिस इज एवरेज डिक्रीज बाय 5 रन्स। एक बैट्समैन का एक निश्चित एवरेज था 11 इनिंग्स में, उसने 12वीं इनिंग में 90 रन्स बनाए जिसके कारण उसका एवरेज कम हो गया 5 रन से। सेम क्वेश्चन, 11 इनिंग में पॉजिट इलेवन इनिंग्स में एवरेज 8, ट्वेल्थ में 90 रन, जिससे एवरेज 5 कम हो गया। तो एक तो तरीका ये 5 ज्यादा है तो 11 × 5 ये 55 ज्यादा है तो ये 55 कम होगा, मीन्स ये 55 कम होगा, 90 इक्वल्स टू 8 − 5 इक्वल्स टू 90 + 55। इसमें 8 कर देंगे तो 8 होगा 90 + 55 + 5 150। एक तरीका या हम करें इसे इसी क्वेश्चन की सेकंड मेथड। प्लेयर ने 12th इनिंग में 90 रन बनाया जिसके कारण मेन एवरेज 11 इनिंग तक का जो एवरेज था उससे 5 कम हो गया। 5 कम हो गया मतलब इसने जो 12th इनिंग में 12 × 5 60 रन कम बनाए एवरेज से, मींस 90 + 60 150, इस टाइप से एवरेज आ जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन हिज 42 इनिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100। इफ दिस टू इनिंग्स आर रिमूव्ड, हिज एवरेज फॉर 40 इनिंग्स कम्स डाउन टू 28। क्वेश्चन ये है कि अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन हिज 42 इनिंग्स, एक बैट्समैन के 30 इनिंग का एवरेज है 42 रन्स, उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर है मतलब उसकी कोई सी एक ऐसी इनिंग होगी जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस 100 है। अब उसने दिया क्या है कि जो 30 इनिंग्स का एवरेज 42 है, अगर ये हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली को हटा दे, इफ दिस टू इनिंग्स आर रिमूव्ड हिज एवरेज फॉर 40 इनिंग्स कम्स डाउन टू 28। उसका मतलब जो एवरेज है 30 एवरेज है 42 इनिंग्स का, 40 इनिंग्स का अगर इसको हटा देंगे तो 28 रह जाएगा। वो पूछा है व्हाट इज हिज मैक्सिमम स्कोर, मींस हमने ये जो दो इनिंग हटाई वो कौन सी हटाई, हमने हाईएस्ट प्लस लोएस्ट यहाँ पे होगी उसको, उसके बाद यहाँ पे 28 इनिंग होगी और यहाँ पे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट नहीं है और बाकी 28 इनिंग है। इट मीन्स हमको यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ये तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट है नहीं उसको हटा दिया, और यहाँ पे मिलेगा 30 × 42 होता है 12·60 = 0·41। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 140, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 100, दो इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 100, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 140 एट प्राइस ऑफ हाईएस्ट 240, हाईएस्ट आ गया 120, लोएस्ट आ गया 20। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स देखी, ये एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ट्रिक्स के इन ट्रिक्स को अगर नहीं सीखेंगे जनरल वे से करेंगे तो हमको टाइम बहुत सारा लगेगा, और जैसे कि मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट इन एसएससी। सो
ये जितनी भी मेथड्स हैं वो एसएससी सेंट्रिक है, इसको आप अगेन एंड अगेन वीडियो को देखिए। एंड फ्रेंड्स मैं 10-15 क्वेश्चंस का नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें जो इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।